हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल केवट जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक टेक्निकल एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस वीक में आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक नॉलेज मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से करेंसी पेयर के बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हम एनालाइज करेंगे, इसके बाद जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम समझेंगे यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर वन डे के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, वन डे के टाइम फ्रेम में यहां पे पिछले वीक में हमने कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट एरिया को मार किया था। यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रीवियस टाइम हमने एक सपोर्ट लेवल को यहां पे ड्रॉ किया था। ये देखिए, मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया और अगेन मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा था। ये हमारा प्रीवियस टाइम सपोर्ट लेवल यहां पे ड्रॉ किया था। चलिए मैं यहां से आपको फोर हवर के टाइम फ्रेम में दिखा दे रहा हूं। फोर हवर के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से यहां पे हमारे लिए एक सिनेरियो देखने को मिल रहा था। दोस्तों, पिछले वीक यहां पे मार्केट कुछ इस लेवल के आसपास यहां पे क्लोज किया था, इस लेवल के आसपास यहां से ओपन किया था। पिछले वीक में यहां से हमने एक रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रॉ किया था। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस वीक यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस एरिया को मार किया था। ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहां पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहां से मार्केट को एक रिटेस्ट की तरह यहां पे अगेन रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहां से फॉल कर दिया। पिछले वीक में हमने देखा मार्केट कुछ इस लेवल के आसपास है, तो हो सकता है मार्केट अगेन इस लेवल का एक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू कहीं ना कहीं एक अप डायरेक्शन में जा सकता है और एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह यहां पे क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली दोस्तों, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया, बट यहां पे मार्केट इस लेवल का सपोर्ट नहीं लिया, इस लेवल का ही सपोर्ट लेने के बाद यहां से मार्केट अपर डायरेक्शन में गया। तो जिन लोगों ने भी यहां से बाय किया होगा उन लोगों का यहां पे टारगेट भी अचीव हो चुका होगा। चलिए अभी हम यहां से इस वीक में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में यहां से हम समझ लेते हैं। तो यहां से मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर ले रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से यहां से विजिबल हो पाए। देखिए फ्रेंड्स, यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है और फाइनली मार्केट ने अभी यहां पर रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां पर कंटिन्यू डाउनफॉल किया है। अभी मार्केट देखिए कुछ इस तरीके का, यहां पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है। तो यहां से हो सकता है मे बी मार्केट यहां से सपोर्ट लेने के बाद अगेन कहीं ना कहीं एक अप डायरेक्शन में जा सकता है। अगर अप डायरेक्शन में जाता है तो यहां पर दोस्तों हम बड़ा टारगेट तो नहीं दे सकते, बस इस लेवल का हम फर्स्ट टारगेट यहां पर दे सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों यहां पे सेकंड टारगेट भी हमारा इजीली यहां पे अचीव हो जाएगा। सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो 1.1250 का यहां पे हम सेकंड टारगेट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं सेलिंग की, यहां पे हम सेल किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस लेवल को भी, इस ट्रेंड लाइन को भी यहां पे ब्रेक डाउन करता है तो कुछ इस लेवल का यहां पे हम फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। सेकंड टारगेट कुछ इस लेवल का यहां पे हम दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अभी जो रेंज है इस रेंज के अंदर ही यहां पे हम ट्रेड करना है अभी, ठीक है। जो भी हम सेल एंड बाय करेंगे वो अभी इस रेंज के अंदर ही हमें ट्रेड करना है। तो इस तरीके का एक सिंपल यहां पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप भी इस तरीके से एक एनालाइज करिएगा। यहां पे सिंपल सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर। चलिए अब यहां से हम जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से जीबीपी यूएसडी की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का हमें एक सिंपल सेटअप यहां पे देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों यहां पे? सबसे फर्स्ट तो देखिए, ये हमने कुछ इस तरीके से एक एरिया को यहां पे मार किया है। फोर हवर के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पे हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। फोर हवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया को यहां पे मार करना है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पे मैंने रेजिस्टेंस एरिया ये कुछ इस तरीके से, ये पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था बट अभी यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अभी आपको ये एक रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर लेना है। ये पूरा एक एरिया है। यहां पे अगर आप अभी देखेंगे ध्यान से तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है,
दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हो गया हेड एंड ये हो गया दोस्तों राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये है कि हेड एंड शोल्डर की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा ना ये एक हेड एंड शोल्डर। अभी यहां से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अगेन मार्केट यहां से कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करने आता है, ध्यान दीजिए रीटेस्ट करने आता है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर यहां से हम बाय की तरफ देखेंगे। एंड फर्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो यहां पे आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 1.3000 का, यहां पे हम फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए यहां से सेलिंग के लिए भी यहां पे बनता है। अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं करता है और अगेन यहां पे फॉल करता है, तो कुछ इस लेवल का यहां पे हमें फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल का यहां से देखने को मिल सकता है और अगेन कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे अप डायरेक्शन में, अगर इस बार ब्रेकआउट नहीं कर पा तो सेकेंड टाइम यहां पे ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों हमें कुछ इस लेवल का यहाँ पे टारगेट देना है सेल डायरेक्शन में। तो सिंपल सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करिएगा और प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही यहां से आपको ट्रेड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब दोस्तों यहां से हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में, वो भी हम यहां से समझने वाले हैं। सबसे फर्स्ट तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक में कुछ इस तरीके से यहां से यहां पे 10 मार्च 11 मार्च राइट यहां पे दोस्तों ट्रेड कर रहा था पिछले वीक मार्केट। तो हमने क्या देखा यहां पे, सिंपल हमने कुछ इस तरीके से एक एनालाइज किया था। यहां पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक पैटर्न की तरह मार्केट ने यहां पे क्रिएट किया था। देखिए यहां पे हमने एक पैटर्न बनाया था, हमने क्या देखा मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट इस पैटर्न का रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट करता तो हम यहां से बाइंग की तरफ ही देखेंगे, बट मार्केट ने यहां पे रीटेस्ट नहीं किया और यहां पे कंटिन्यू यहां पे अप डायरेक्शन में दिया। तो दोस्तों यहां पे देखिए मौका कहीं ना कहीं जिन लोगों ने रीटेस्ट के लिए इंतजार किया है तो उन लोगों को तो मौका नहीं मिला होगा, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा उन लोगों का तो यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होगा। अभी यहाँ से पिछले वीक में हमारा टारगेट क्या था, तो टारगेट दोस्तों ये रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट को अगर मैं जूम इन करके दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में, यहाँ से वनडे के टाइम फ्रेम में हमने कुछ इस तरीके से ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट था, तो इसके बेस पर यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस एरिया निकाला था। तो मार्केट कुछ इस लेवल का यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फाइनली दोस्तों इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी इस वीक में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो यहां से बंडे के टाइम फ्रेम में ही हमें यहाँ पे एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से एक ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एनजेडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। देखिए मार्केट ने अभी इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों पूरा एक एरिया है, मैं यहाँ से आपको एक लेवल दिखा दे रहा हूँ 1.22000 के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं चार्ट को जूम आउट करके दिखाना चाहूँ तो सबसे फर्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने का ट्राई करिए। देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन में, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन किया, अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इम्पल्स आएगा और फिर से करेक्शन और कुछ इस तरीके से, यानी कि मार्केट हमें अभी देखा जा तो एक हैवी बुलिश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमें अपॉर्चुनिटी देखना है वो बाइंग की तरफ ही देखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सेलिंग की, तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या सेल कर सकते हैं, क्या सेल के लिए दोस्तों बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलता है सेलिंग के लिए तो ही आप यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखिएगा, वरना यहां से मार्केट एक हैवी बुलिश मुझे देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा यहां पे बाइंग की तरफ ही देखिएगा। यहां पे हो सकता है दोस्तों मार्केट देखिए कंटिन्यू काफी बड़ा यहां पे एक बाय का रैली किया है, तो हो सकता है यहां पे साइडवेज की तरह भी यहां पे बिहेव कर सकता है। एक सिंपल सेटअप हमें देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर, तीनों मेजर करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं और अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं उस स्ट्रेटजी का प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही हमें यहाँ से ट्रेड करना है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा। इस वीक में हम
किस तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एक एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।